लखीमपुर खीरी दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने नाजायज असलाह से घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। सास बहू जख्मी, बहू की हालत नाजुक, लखनऊ रेफर। धड़ाधड़ गोलीकांड की घटना से पहुंचे एसएसपी व सीओ सिटी सदर थाना खीरी, एसएचओ थाना खीरी और पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला शिवाला में रविवार को सुबह 3 बाइकों पर सवार करीब आधा दर्जन हमलावरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर नाजायज असलाह से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से एक महिला और उसकी सास गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं को आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को लखनऊ रेफर कर दिया। कस्बे के बीचों बीच गोलीकांड की तड़ातड़ा आवाज से घटना के बाद ऑयल क्षेत्र के लोग दहल उठे हैं। कस्बे के मोहल्ला शिवाला निवासी लक्की जायसवाल ने बताया कि उनके पिता रिक्शा चलाते हैं। करीब एक सप्ताह पहले जब हमारे पिता रिक्शा लेकर ऑयल से लखीमपुर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में प्रासू सिंह पुत्र सुरेश सिंह से उनके पिता का रिक्शा को ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हो गया था। इससे नाराज प्रासू सिंह ने अपने साथी के साथ हमारे माता पिता रामकिशोर जायसवाल के साथ मारपीट की थी। इस बात की जानकारी जब उसे हुई तो उसने विरोध किया, जिस पर प्रासू सिंह ने उसे भी मारा व पीटा। इसके बाद आपस में बैठकर मामला शांत हो गया। रविवार को सुबह करीब 10 बजे उसकी मां कांति देवी व दादी रामकली घर पर थी। इसी बीच प्रासू सिंह पुत्र सुरेश सिंह, अभय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम सारीनामा और देहात निखिल गुप्ता ग्राम सारीनामा उर्फ छोटू पुत्र बीरू गुप्ता मोहल्ला एकता नगर कस्बा ऑयल निवासी तथा निखिल अवस्थी पुत्र सत्य प्रकाश अवस्थी ग्राम खागी ऑयल वे दो अज्ञात 3 बाइकों पर सवार बेखौफ होकर घर में घुस आए और उसके बारे में पूछा। जब मां ने कहा कि घर पर नहीं है तो आरोपी गाली गलौज करते हुए नाजायज असलाह से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीकांड में उसकी मां के पेट व दादी की कमर के नीचे हिस्से पर जा लगी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी होकर मौके पर गिर पड़ी। इसके बाद हमलावर हवाई फायर करते हुए जानमाल की ऐलानिया धमकियां देते हुए सभी लोग बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए, जहां पर गोलीकांड में घायल बहू कांति देवी को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से अमित शाह की रिपोर्ट। लकी जायसवाल, क्या हुआ था? हमारे घर पे आए हैं और बातचीत हुई थी, ऑटो को लेके विवाद हुआ था, उसी चक्कर में ढूंढ रहे थे 5-6 दिन से जान से मारने के लिए। अच्छा। तो हम घर पे थे नहीं, आते थे ये तो हमको पता चलता था, हम घर पे रुकते नहीं थे, भागे भागे घूम रहे थे इधर उधर। कल शाम को हम घर आए, इनको पता चला है और घर पे आके गोली वोली चलाई है मेरे। कितने लोग आए थे? 6 लोग थे। अच्छा, किस चीज़ से आए थे? मोटरसाइकिल से। अच्छा, मोटरसाइकिल का कोई नंबर वगैरह? नंबर तो देख नहीं पाए, हम भागे हैं घर की तरफ तो घर पे गोली वोली चलाई है, मम्मी को लगी है। क्या नाम था लोगों का? 4 लोगों के नाम हम जानते हैं और दो वही बताएंगे अब। अभी एक का नाम सुमन के यहाँ कोई चबहना है कोई लड़का। कहाँ का रहने वाला? ओयल का ही है। अच्छा। और प्रियांशु है और निखिल है और अभय सिंह है। अच्छा, और कोई? और यही लोग हैं, और लोग थे उनका नाम नहीं जानते हैं। कितने बजे की घटना है? अभी 10-15 मिनट पहले। अच्छा, ठीक है। लगभग 10 बजे की घटना है। गोली कहाँ का लगी है? पैर में। निवासी कहाँ के हैं? ओयल। ठीक है। मारने वाले साड़ीनामा के हैं, खाकी ओयल के हैं और ओयल के भी हैं। ठीक है।